राम राम भाई। क्या नाम है? श्री भगवान राम चलानी। ये माहौल है देखो जी, ऐसा है मैं दलित समाज से हूँ, हुड्डा सरकार में हमारे कोई बच्चा नहीं लगा, अब साथ में चले गए हमारे हमारे परिवार के। पर्ची खर्ची ले देंगे? कोई खर्ची पुर्ची नहीं है? कोई खर्ची पर्ची नहीं, ईमानदारी से, ईमानदारी से बिना खर्ची लगे हैं, बिना खर्ची। मेरा रिटर्न करना 8 साल हो गए, बीजेपी में लगा है, हरियाणा पुलिस में, बिना ले दिए, बिना ले दिए, पहली भर्ती में लगा था। गड़बड़ी आया जब हमारे 7-8 बच्चे लग रहे, वो झूठ थोड़ी बोल लूंगा। यही बातें हुई थी वहां। क्या आके हम बीजेपी को वोट देंगे, हमारा बसपा का इन्होंने बैठा दिया या कर दिया वो कर दिया, तो हम बीजेपी को वोट देंगे। धनखड़ आके तंवर जी को पीटा गया, शैलजा को गालियां दी कांग्रेस वालों ने। अच्छा, हुड्डा के इशारे पर आया। अच्छा, दलित आक्रोश रैली की गई है वहाँ। अच्छा, चलाना गाँव में बायकॉट किया गया कांग्रेस का। नेता हुए थे, उन्होंने कांग्रेस का बायकॉट के आदेश दिए हैं और सभी दलित भाइयों को ये मैसेज दिया है, जितने बुला रखे थे कि अपने गांव जाके घर जाके सबको बताओ कि भैया जो दलित महापंचायत उसका फैसला है कि कांग्रेस का बायकॉट है, कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा, जो बाबा साहब का अपमान करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। क्या निर्णय हुए दलित पंचायत में? जी देखो, दलित पंचायत में निर्णय ये हुए कि जो अनूप धानक है उसके बारे में वहाँ उल्टा बोल लिया गया, जो बादली से NLO ने जो विधायक ठाया था इलेक्शन के लिए बसपा का उसको भी बिठा दिया जबरदस्ती। किसने? कुछ गुंडे तत्व होंगे, उनका तो क्या पता, उसको मारपीट भी बताई जा रही है, दलित भाई बोले थे उधर की मारपीट हुई है, जो कुमारी शैलजा उसके बारे में अपशब्द बोले जा रहे हैं, मतलब तंवर को कंधे पे जब चोट मारी थी कई दिन उसके गले में पट्टी बंधी रही थी बेचारे को। तो देखो, हमारी तो राजनीति इस प्रकार की है कि भाई हर आदमी को मौका देना चाहिए, और दलित लोग वहाँ लगभग 1000 से 1500 आदमी इकट्ठे हुए थे, वो केवल ये जो बातें बताई इन बातों से नाराज हैं, और वो कांग्रेस से नाराज थे, उन्होंने अपने एजेंडे में ये दिया था कि लास्ट में वो ये बोल रहे थे कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे और कांग्रेस की बायकॉट करेंगे। सलाना। अच्छा, तो के क्या करो भाई साहब? बस जमींदार कर खेती बाड़ी और क्या करे। अच्छा, वोट बटना के रुझान है? वोटा भाई धनखड़ का रुझान है बीजेपी का, काम नहीं करे 5 साल भाई है? हम खुद पंडित जी का काम नहीं करे ना, कुछ भी नहीं भाई, कुछ काम नहीं करे, बीजेपी सरकार में काम होया बहुत बढ़िया काम करा धनखड़ साहब ने, गांव में भी बहुत गुना काम करा दिया, और कोई नौकरी नहीं लग रहा इसमें कांग्रेस सरकार में, भाई बीजेपी में काबिलियत है, कोई बालक पड़ा है तो वो भर्ती हो जाएगा। आपके गांव में होया कोई भर्ती? हमारे गांव में 7-8 बालक भर्ती है बीजेपी सरकार में। अच्छा, और बिल्कुल खर्चा नहीं, नहीं भाई, नई पर्ची नई खर्ची, बिल्कुल निष्पक्ष, और भाई बुढ़ापा पेंशन भी दी लोगों की। अच्छा, और हुड्डा साहब ने कहा मैं 6000 करूंगा भाई, हुड्डा साहब कहां से करेगा, बीजेपी सरकार आएगी धनखड़ साहब करेगा। अच्छा, और धनखड़ साहब आओगा भाई, बीजेपी अच्छी लागे, बढ़िया काम करे भाई, हिंदुत्व समाज के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार है मुस्लिम लीग कर रही है कंट्री को।